को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण। अभाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों बड़भागी गीता के परोकारों मेरे सजनों धार्मिक भाइयों कीजिए अपने मन को एकाग्र जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। आपका प्रश्न जारी है सत्संग में आ रहे गए एकाग्रता पूरी रखते गए आप भी अपनाने पर जोर देते हैं तो पूरा लाभ कैसे उठाया जाए यह है आप सबका प्रसंग। कई बार पहले भी ले चुका हूं मेरे प्रभु की यही इच्छा है तो सुना रहा हूं दो तीन दिनों से। सत्संग में आकर हमारे अंतःकरण को पूरा लाभ कैसे हो एकाग्र हो जाइए मेरे देवियों मेरे सजनों। हाँ ये आप पूछ रहे थे सत्संग में ठोस लाभ कैसे उठाए। लाभ का मतलब होता है कि जो चीज हम जो बात हम सुने वो हमारी बन जाए हमारे में बौद्धिक मानसिक और शारीरिक रूप में क्रियात्मक रूप में अंतर आ जाना चाहिए। जैसे शादी के बाद आपके हर बात में अंतर आ जाता है चाल में अच्छा नाम में गोत्र में अच्छा पोशाक में अच्छा सब कुछ बदल जाता है बेटी का शादी के बाद। इसी तरह सत्संग में आने से हमारी इरादे हमारे विचार हमारे कर्म हमारी संगत हमारा दृष्टिकोण एकदम बदल जाता है। जहां हमारी दृष्टि में संसारी सब कुछ था अब हमारी दृष्टि में परमार्थ ही सब कुछ हो जाता। सुनो मेरे देवियों ओ मेरे सजनों एकदम दृष्टिकोण बदलता है। कहा दृष्टिकोण में था धन पदार्थ बीवी बाल बच्चे पति देव जी महाराज और कहा दृष्टिकोण में विवेक वैराग भक्ति दिव्य प्रेम लगनता ये रह जाती है। ब्रेक लग गई मुझे आप बच्चों को बड़े शौक से लाते हैं काका को उठो उसे लाइन से उठाओ आप बड़े ध्यान पूर्वक तो इन सारों में परिवर्तन आ जाता है सब में ठीक। आप परिवर्तन लाने के जो मेरे तरीके भगवान ने बताए गए जिससे मेरा ठोस लाभ होता है वो मेरे बालक ने एक बड़ा अच्छा दृश्य खींचा है आज मैं उसमें प्रकाश डाले जा रहा हूँ बहुत कमाल का। महाराज जी कहती है सत्संग में आकर अपनी भक्ति का निश्चय दृढ़ कर लो। दृढ़ का मतलब होता है मन के विचार बदल जाए अच्छा कोई चीज हम दृढ़ कर ले तो उसमें फिर मन में परिवर्तन आ जाना चाहिए। मैंने कई बार आपको बताओ बिचियों बुजुर्गों और भाइयों को क्लियर कर दिया कि निश्चय के अनुसार ही मन में विचार आते हैं मन में योजनाएं बनती है जिसको हम कहेंगे प्लानिंग एंड स्कीमिंग स्कीम्स ये हमारे निश्चय के अनुसार होती है। मन अपने आप में कुछ नहीं कर सकता ध्यान से सुनो मेरे प्रभु जी की अत्यंत कल्याणकारी वाणी मन अपने आप में स्वतंत्र नहीं जे नहीं जे नहीं जे। जैसे मैं देख के आया हूँ अब घरों में आपके क्या है ये भगवान जाने माँ जी हमारे अधीन पिताजी के अधीन थी स्वतंत्र नहीं थी कोई भी राय हमें नहीं दे सकती थी यही कहती अपने बाप से पूछ ले चुप कर जाती थी मेरे पास तो दो रुपए नहीं ज्यादा ले लेनी तब जब बाप के पास चला जाए हर बात में माँ करे बाप माँ मैंने आज कोड़ियां लाई क्यों मैंने वहां पर मैं कोई मीटिंग है जैसे अपने बाप से पूछ ले हर बात में डरती थी माँ से माँ बाप से नाराज ना हो तो जैसे मैं देखा हूँ माँ प्रधीन होती थी बाप के तो जैसे लड़की प्रधीन बिल्कुल इसी तरह सच्चाई सी बात भगवान की बता जो मैंने खुद देखा
मन बिल्कुल अधीन है बुद्धि के निर्णय पर। जैसे वो निर्णय करेगा मन ने वैसे विचार बनाने। हर मेरे बच्चा, हर भाई, मेरी बेटी ध्यान दे ले। इसलिए हमारी जिंदगी का दारोमदार हमारे निर्णय पर है कि आप क्या लेते, हाउ यू टेक डिसीजन। और कोई ध्यान नहीं देता बिल्कुल। यदि जिंदगी एक अगर माने इमारत है, अगर जीवन को इमारत कहे तो निर्णय उसकी बुनियाद है। वाह बाबा, फिर कहे यदि जीवन एक इमारत है तो निर्णय, डिटर्मिनेशन, इरादा उसकी बुनियाद है, उसकी फाउंडेशन स्टोन है, उसकी आधारशिला है। इतना यहीं से अंदाजा लगा लो। सारा जीवन का दार मदार में देवी किस पर निर्णय पर है। अब हम है कल्याणकामी जीव, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, एक ही निर्णय ले ले, मैंने भक्ति कमानी है। फिर तुम्हारो मर जाओ बिशक, मैंने भक्ति नहीं छोड़नी, क्योंकि आप कल्याणकामी है ना। आप कल्याण चाहते हो तो भक्ति से ही कल्याण होता है। ऐसा पक्का राजा कर लो भगवान के आगे प्रणाम करके, कसमें खा के, मैंने भक्ति कमानी, कुछ भी कर, मैंने भक्ति कमानी। फिर क्या होगा, मन बदल जाए तत्काल। अगर आपका इरादा पक्का है, इरादे का मजबूत, फिर दिल पे असर पड़ता बाद में। पहले इरादे का मजबूत, मजबूत करना, मैं मर जाऊंगा, तब से मसली हूं, मैंने भक्ति में पता ही नहीं था, ऐसा पक्का इरादा। पहले मुझे पता ही, आप मुझे पता लग गया, अब मैं तब से मसली हूं। अब मैंने पूरा रुपये महाराज जी के की भक्ति जितनी मेरी आयु रहेगी, कह दिया करो मन को, चाहे एक दिन है चाहे सौ दिन है, मैंने तो भक्ति ही कमानी है। वो सुनो मेरी देवियों, वो तर जाने वाले मेरे सजनों, वो मेरे बच्चों जो जवानी में आए बैठे गए, आपने एक लंबा सफर काट रहा था, जिंदगी का लंबा सफर। मेरी जैसों से सुन लो भगवान का विचार, जिससे आपके आसानी से जिंदगी कट जाएगी। जैसे अपने साइकिल को या बाकी वैन को तेल देने से उसमें कड़क कड़क नहीं होती, लंबी अच्छी जिंदगी कटती है। ज्ञान लेने से, ज्ञान हमारी बुद्धि का, मन का, तन का, कर्मों का हाय तेल है, ऑयलिंग है। ऑयलिंग टू योर बॉडी, इट मींस नॉलेज टू योर बॉडी, विजडम टू योर बॉडी। जैसे मशीनरी के लिए तेल काम करता है, ऑयलिंग काम करती है, इस तरह हमारे जीवन के लिए ज्ञान काम करता है। और मैं ज्ञान भी भगवान का कहूंगा, जला करना जो ज्ञान दे रहा गलत, शुक्र है भगवान ने क्लियर कर दिया, खिलाफ इसके जो कुछ है, जो असली है और जो यही ज्ञान है, पक्के रहना मेरी तरह कि ज्ञान वही जो मेरे भगवान का फरमान, ज्ञान भगवान का फरमान, ज्ञान भगवान का फरमान, ज्ञान भगवान का फरमान। जरा गलत ज्ञानी बना फिरता है, जरा गलत अपना को ज्ञान कह रहा है, मैंने ज्ञान देना है, गलत। अगर यूं ज्ञानी होते तो देश मेरा बदल जाता, या मेरी माताएं, मेरी बच्चियां इतनी ज्ञानी री फिरती है तो ओ बड़ी भारी तब्दीली आ जाती। लेकिन कहां, इनको डर ही नहीं लगता भगवान का। जबकि ग्रंथ साहब के अंदर कहा गया, ज्ञानी आप परमेश्वर, आए हाय हाय, ज्ञानी को परमेश्वर का रूप दिया सुखमनी साहब के अंदर, कितना चोटी का दर्जा। और गीता में सातवें अध्याय में ज्ञानी को भगवान कहते, मेरा हृदय है वो यकने लाए, उससे यकने लू मैं, वो कायम है और उसकी मंत्र। कितना कितना सत्कार दिया मेरे प्रभु ने। तो ज्ञान ही हमारे जीवन की जान प्राणी। अब आप भी देखना है, पक्की हो जाओ आप सबके सब, जब से हमें पता लगा हम छाती पर गीता धर के कह सकते हैं हम उस पर पक्के हैं कि पहले पता ही नहीं था मन को, अब तो पता लग गया कि भक्ति से ही कल्याण है। भक्ति से क्या मिल जाती है, जो मन चाहता है, हमेशा रहने वाली शांति। सुनिए ध्यान से, अच्छा नाना प्रकार के दुख भाग जाती है, अच्छा आवागमन से छुट्टी हो जाती है, दस सौ दिला तेन और की चाहिए, और क्या चाहिए। सुनो और नेक जीवो, और मेरी भोली भाली बेटियों, मैं आपको कोई नहीं बताता, कोई नहीं समझाता, फंसाने वाले सारे हैं, सारे आपको जाते हैं काम में, क्रोध में, मोह में। मेरी मालिक आपको चोटी का ज्ञान दे के क्या उठाई जा रही है। कदर करो अपने भगवान के ज्ञान की, कदर करो मेरे बच्चे अपने आप को उठा लेने की, कि मैं उठ जाऊं, मैं अपने आप को निकाल लू। कितनी भगवान जी चोटी की बात बतला रहे हैं, सुनिए ध्यान से क्या कहने जा रहे हैं प्रभु जी। इरादा कर लो बुद्धि में कि मैंने भक्ति कमानी है, बस अब मन में विचार प्रभु सबल दिया जाएगी।
आहा बालक अभिचारी मरक संबंधी क्या जी भगवान के गुणों का चिंतन, भगवान के ज्ञान का चिंतन, मन में दूसरा अगर आपने पक्का दादा कर लिया है तो देखिए मन में विचार भगवान का उठती हो, बाकी जिस समय का जो कर्तव्य होता है वो कर लेंगे, जिस समय का जो कर्तव्य होगा, मुख्य कर्तव्य हमारा भक्ति हो गया, बाकी कर्तव्य कोई होता है, घर का कोई काम होता है, कोई अपने व्यक्तिगत होता है, कोई पारिवारिक काम है, कोई सामाजिक काम है, तीन प्रकार के काम होंगे ना, व्यक्तिगत ठीक, अपने पारिवारिक ठीक, सामाजिक, और ये जो हम कर रहे हैं ये पारमार्थिक, इसको हमने मुख्यता दे दी, यानी प्राथमिकता दे दी, प्रेफरेंस दे दी, गुड, बाकी हमारे काम गौण हो जाएंगे, मुख्य ये, बाकी जितने भी हमारे काम है गौण। यदि आपने मैं फिर कह के आगे जा रहा हूं, आपने भक्ति को प्रधानता दे रही है, तो भक्ति को प्रेफरेंस दे दिया कि मैंने करनी ही यही है, शाबाश, तो मैंने बता दिया आपको, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, मन बिल्कुल अधीन है इरादे के, और जिनके इरादे कच्चे होते हैं, कभी कोई इरादा ले लिया, आजकल वो वक्त जाना, ये जो 20वीं शताब्दी गुजरी है, ऐसे कम वक्तों की गुजरी है, कभी कोई इरादा, कभी कोई इरादा, कभी कोई विचार, कभी कोई निर्णय, हाय हाय, इस तरह इंसान अपने अपने ऊपर आप ही कुल्हाड़ी मारता, अपने साथ आप ही वैर कमाता। भगवान का फरमान न भूलना, वो दुश्मन है अपने लिए, अर्जुन वो अपने साथ वैर कमा रहा है, कोई क्वेश्चन ही का शी का, कोई क्वेश्चन है स्त्री का पुरुष का, क्वेश्चन था बुद्धि का, बुद्धि ना स्त्री होती है ना स्त्री का, बुद्धि का मन का क्या, नहीं वो नहीं होता, लिंग नहीं होता, तन का लिंग होता है स्त्रीलिंग पुलिंग, लेकिन बुद्धि और मन का कोई लिंग नहीं होता, नो जेंडर एट ऑल, नो जेंडर, नो फेमिनिन नो मैस्कुलिन, बुद्धि कोई फेमिनिन मैस्कुलिन नहीं जानती, और मन भी, ये तो तन को लेकर के हम दो बने हुए हैं, ही एंड शी जी। तो बड़े ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ इस बात को निर्णय कर लीजिएगा, अगर बुद्धि का इरादा पक्का है सरकार, मन में विचार भगवान के आएंगे, अगर नहीं तो लो फिर भगवान कहती है क्या होगा, इरादे बदलते रहेंगे, कि जैसे आमतौर पर तो सबसे बड़ा इरादे बदलने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, कम ऑन, विक्षिप्तता, शाबाश, और इरादे बदलने से इंसान को सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है, हो चुका, सोचो नेक जीवो रोज भगवान जी का ज्ञान लेते हो दुविधा में, शाबाश, सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जब इरादे बदले जाए, मैंने ये करना है, फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फिर ये करना है, फिर थोड़ी देर बाद मैंने ये करना है, तो है हमारे जीवन मानसिक शक्ति, शाबाश मेरी बेटी, इसे बोलते हैं विल पावर, संकल्प शक्ति बेटी, संकल्प शक्ति कम हो जाती है, मारा गया इंसान, जिसकी संकल्प शक्ति कम उसे ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते बेटी, इसे बोलते हैं विल पावर, अंग्रेजी में अपनी भाषा में कहेंगे संकल्प शक्ति, ना भूल लो इसको, पक्का कर लो, इंसान की संकल्प शक्ति गई, संकल्प शक्ति गई तो इंसान ही गया, मर गया बुरी तरह, जिस टेंशन टेंशन की बीमारी लिए फिरते हो, और भगवान ने कहा इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा, ये उलझन बड़ी गंदी है, इसी उलझन को आप आजकल अंग्रेजी में टेंशन बोली जा रही है, उलझन का मतलब हर समय नाड़ियां तनी रहती, क्या करूं कोई समझ नहीं आती, क्या करे, इतनी उम्र बड़ी होती जा रही है, कोई बार नहीं मिल रहा, माँ बाप मेरे बड़े दुखी है, इतनी मैं पढ़ चुकी हूँ नौकरी नहीं मिलती, क्या करूं, इतना इलाज कर चुकी बीमारी नहीं जाती, ये इतना मैं कमाता भी हूँ गुजारा नहीं होता, ये इस तरह एक नहीं अनेक चंटी है, अनेक, ये कब हुआ, जब आप जब इंसान इरादा पक्का नहीं करे, कौन इरादा पक्का नहीं करेगा जिनमें रजोगुण तमोगुण प्रधान है, फिर तो मरो तुम, वो इरादे पक्के नहीं कर सकते, क्यों, अबस्साए उम्मीदें अबस्साए अमल अबस इल्म उनका समझ में, खलल हर बात उल्टी हर एक में, फतूर वो जाहिर तबाही में, बचा लो उनको बचा सकते हो तो नहीं बचा सकते, ये सिद्धांत है, जिनमें रजोगुण की अधिकता है उनको आप नहीं समझा सकते, चाहे वो आपकी लड़की है, चाहे आपकी बहू है, चाहे कैसा भी खून का नजदीक के रिश्ता, नहीं समझे, जिनमें रजोगुण बड़ा हुआ
आज इसलिए श्रीमान श्रीमती का नहीं मिलाप हो रहा, लड़ाइयां झगड़े हो रही हैं, ब्राह्मणों को पता ही कोई नहीं रजोगुण के साथ सतोगुण मिल रहा है, सतोगुण के साथ रजोगुण मिल रहा है, लड़कियां आमतौर पर सतोगुणी होती है, लड़के रजोगुण दोनों का मिलाप होता है, नहीं आपस में बनती, रजोगुण का दृष्टिकोण कुछ और, सतोगुणी का दृष्टिकोण कुछ और, इसलिए आपस में क्लैश समझती है। क्लैश अंग्रेजी में क्लैश, थोड़ा सा अंग्रेजों ने हमारी नकल कर ली, हमारा शब्द है क्लेश, हमारा क्या बेटी है का आधा लापे एक ही मात्रा होती है क्लेश है नहीं तो आपस में क्लेश क्यों रहता है, और उन्होंने बढ़ा लिया क्लैश, लड़ाई झगड़े फसाद, क्यों दृष्टिकोण ही नहीं एक जगह हो सकता, हमारा एक जैसे बन ही नहीं सकता क्योंकि वो सतोगुणी रजोगुणी है। आज तेरे पढ़ाई देखी जाती है, कद बुद्ध देखे जाते हैं, रूप और रंग देखा जाता है, चलो कर दो शादी, ये देखे जाते इनके आपस में बनेंगे भी सही के नहीं, इनके आपस में गुण कौन देखता है, गुण कौन देखता है, कद देखती है, कमाई देखती है, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है, अंदर क्या बीत रही है आपके ये कोई भी नहीं देखता, इसलिए आपस में क्या हो गया क्लेश। तो आइएगा, मेरे भगवान चेतावनी दे रही है कि आप हमारे जैसे को, वो तो मरेंगे बुरी तरह, बुरा हाल होगा उनका, अब हमारे जैसे को लिए कह रही है कि अगर हम अपना कल्याण करना चाहती हैं और सत्संग में ठोस लाभ उठा दो, अपने इरादे को पक्का कर लो कि मर मिटूंगी मैं, मैंने अपनी भक्ति गवा दी, मैं इस इरादे को नहीं मिल सकती, कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अपने इरादे को नहीं मिल सकता, इट इज इंटायरली इम्पॉसिबल फॉर मी, बियॉन्ड माई अप्रोच, बियॉन्ड माई रीच, शाबाश, नहीं तो अगर इरादे जैसे बदल रहे, आप तो भगवान करे आप में से कोई भी ब्लैक शीट ना हो, कोई मेरी बेटी ऐसी काली भेड़ ना हो जो इरादे बदलती रहे करती रहे, फिर क्या हाल होगा, सत्संग में तो आने बंद हो जाएगा, जाप भजन सिमरन बंद हो जाएगा, फिर क्या मन प्रधान हो जाएगा, चूंकि सिर ते नहीं कुंडा ते हाथी पे रे लुंडा, महावत हाथी पर बैठा हुआ है लेकिन उसके हाथ में अंकुश नहीं है, उसे बोलते हैं लोहे का बना हुआ, आगे धार तेज होती है सुई की तरह, बड़ी शार्प एज होती है आगे, तो वो कंट्रोल करता है हाथी को, हाथी के अंदर मार के तो हाथी को दर्द होती कंट्रोल हो जाता है, और अंकुश है नहीं तो हाथी भी लुंडा, फिर हाथी कभी यूं जाएगा कभी यूं जाएगा, मारेगा अपने महावत को बुरी तरह, शाबाश। तो इस तरह सिर पे कुंडा, इंसान के सिर पर कुंडा क्या है, इरादा, और इरादा भक्ति का, गंदे मंदे इरादे नहीं, मैंने इसी से शादी करनी है ऐसे इरादा, मैंने ये नौकरी करनी है ये इरादा होता है बच्चे, इरादा वो होता है जिससे लोक परलोक बन जाए, ये इरादे होते हैं जिससे जीवन ही पलट के रह जाए। अब दुनिया में कौन इरादे, दुनिया में कई इरादे हैं, कभी कंचा का, कभी कामनी का, कभी कीर्ति का, कभी बीमारी का, कभी राग द्वेष का, कभी लड़ाई झगड़े का, कभी बदले लेने का, कोई एक इरादा है, अगर भगवान की भक्ति छोड़ते हैं तो कितने इरादे बन जाती हैं, हाँ कितने ही, जैसे एक मेन ऑफिस होता है उसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं, हाँ एक मेन ऑफिस की कितनी ब्रांचेस, गुड, अब एक आपका है भगवान आपका भला करे, आपका जे जो आपका बोलते हैं दिल्ली के बड़े बड़े ऑफिस, बाकी सब ब्रांचेज है, माल टाउन में है, सिटी में है, शहर में है, कितनी ब्रांचेज है इलेक्ट्रिसिटी की, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कितनी ब्रांचेज, मुख्य क्या है हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अब बोर्ड की ब्रांचेज कितनी है, शाबाश। इससे कितनी, अगर इंसान संसारी बन के रहे तो ब्रांचों का अंत ही कोई नहीं, कितने फिर शादी के बाद तो कुछ पता ही लगता कितनी ब्रांचेस बन जाती, कितनी ब्रांचेस, अगर आप भगवान के मुंह ना लगे, श्रीमान और श्रीमती के मुंह लग जाए, ब्रांचेस का एंड ही कोई, फिर इंसान क्या होता है, हलाक गम बेहिसाब उनको दिन हो के, इधर अब लीजिए भगवान ने बड़ा भयानक आपके खींचा जिससे मन को बड़ी भारी मिलती है नसीहत, कि मनो अगर तेरे पक्का अब भी इस जन्म में ना किया तो दिल अकल को ले चली, लो उल्टी गंगा बह गई के तूफान में किश्ती बहे किस तरह, लो उल्टी हो गया, फिर कहा तो पक्के इरादे वाली बुद्धि ने मन को खींच के ले जाना था, और कहा गंदा मन जिसके इरादा नहीं पक्का बुद्धि को खींच के ले जाएगा, जैसे किसी नेक लड़की को गंदा लोफर आपको ले जाए बहका लिया और ले उठा के थोड़ा जाते बहका के ले जाते हैं, इंड्यूस करके ले जाते हैं, इस तरह जब इरादा ही नहीं पक्का, इसकी तो कोई वैल्यू कोई ना हुई, तो मन फिर बस विचारों में गलतान, और विचार कैसे होती हैं, काम संबंधी, क्रोध संबंधी, हाय लोभ संबंधी, मोह संबंधी,
चोरी यारी से बंधी, तब ये विचार हो जाए गंदे। बस फिर बुद्धि मारी गई, कैसे मारी, फिर जीवन कैसे बनता है, तूफान में किश्ती। ये भगवान ने पहली और आखिरी बार इतना भयानक दृश्य खींचा है उन कमबख्तों का जिनमें मन प्रधान है बुद्धि प्रधान नहीं। और आज तो चारों ओर मन प्रधान है, बुद्धि प्रधान थोड़ों की हो चुकी है। जो भगवान के प्यारे बन चुके हैं पूर्ण रूपेण गीता के अनुसार अपना जीवन बनाए जा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है गीता पढ़ छोड़ दिया, ना गीता गढ़ना, गीता पढ़ना, गीता प्रैक्टिकल रूप में लाना, और वो तो बुद्धि प्रधान है। बाकी सारे मन प्रधान, तन प्रधान, मन प्रधान और तन प्रधान। शंकर विकल्प काम क्रोध मोह लोभ, इन अंगों का गंदा देखना, गंदा सुनना, गंदा बोलना, गंदा खाना पीना, बाकी अंगों का दुरुपयोग करके बीमारियां लेनी, लो ये समाज इस रूप में जा रहा। चारों ओर आप देख रहे हैं, गली में, मोहल्लों में, गांव में, नगर में, चारों ओर क्या है, मन प्रधान, तन प्रधान, मन प्रधान, तन प्रधान। तन का मतलब क्या होता है, इंद्रियां, कभी आंखें तकती जा रही हैं, कभी कान गंदा सुनती जा रही हैं, कभी मुंह से गंदा गंदा बोलती जा रही हैं, गंदा खाते पीते जा रही हैं, पैरों द्वारा गंदे गंदे स्थानों पे जा ही रही हैं लड़कियां लड़के, हाथों द्वारा जुल्म करते जा रही हैं, बाकी अंगों को भी ढीला छोड़ा हुआ है और बीमारियां लेते जा रहे हैं। ओए होए 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 होए, ये कब हुआ, जब इंसान ने इरादा भगवत संबंधी ना बनाया। बाकी संसार संबंधी इरादे पक्के हो ही नहीं सकते, भगवत संबंधी इरादा पक्का होता। आहा उधर देखिए भगवान का फरमान, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, अगर बुद्धि का इरादा पक्का रहा, ये श्लोक ऊपर रहा है, तो पुख्ता हो और यक्षु इंसान का दिल, ये आधा श्लोक जो ऊपर, अगर इंसान ने इरादा पक्का किया तो मन पक्का रहेगा, अगर इरादा पक्का तो मन बिल्कुल पक्का रहेगा, मन पक्का तो तन से बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। एक एक बात पर गौर करो, ये बातें हमें मिडिल स्कूल में बतानी चाहिए थी, हाई स्कूल में, कॉलेजेस में, तो ये बताते ही कोई नहीं। हमारे मंद भाग है तो ये धर्मभूमि भारत, लेकिन इस शिक्षा को कोई लेता ही नहीं। कमाने वाली शिक्षा है कि आप कमा सको बस, कोई आपको ब्याह के ले जाए भी कमाती है भाई, ये सिर्फ खाने पीने की विद्या दी गई है, खुशी से रहने की विद्या कोई नहीं सिखाता। जिसको आपके इस दरवाजे के बाहर लिख दिया गया, भगवान की गीता क्या है, योगा कर्म तु कौशलम, अमल में हुनर हो तो कहलाए। हमें हुनर सिखाए, कला सिखाई जा रही है बाखुशी जीने की, बड़ी अच्छी कला सिखाती है गीता, बाखुशी जी लो चार दिन। और कॉलेज स्कूल में क्या सिखाती है, कुछ कमाना सीख जाओ, 4,000, 5,000, 6,000 कमाना सीख जाओ। अरे कमाना तो सीख ले आप, पर खुशी से जीना, कमाना किस लिए है, जीने के लिए। तो जी कैसे रहे, रोग के पेट के बेचैनी से, कमाना है जीने के लिए, और जीते हैं कितने रोने के लिए। देखिए कितनी हैरानगी का विषय आपके आंखों के सामने, जी रहे हैं आत्महत्या करने के लिए, जी रही है लव अफेयर के लिए, देखो जब जीवन, हाय 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 हाय, जी रहे हैं लड़ाइयां झगड़े फसाद के लिए, जी रहे हैं किसी के साथ भाग जाने के लिए। अरे कमाती तो हो, कमाना सीख लिया, किस लिए, अब प्रश्न करो और रो पड़ो एक हाथ पे बैठकर, कमाते हम किस लिए, इतनी पढ़ाई की कमा रहे जीने के लिए, जीते किस लिए है, गंदगी के लिए। आप आंखों के सामने देख लो, क्यों हमने नहीं ना भक्ति कमाई, भगवान से पक्का इरादा लिया ही नहीं, इसलिए भगवान कहते वो सत्संग में ठोस लाभ नहीं उठा सकते, इरादा न हो जिसका। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, भगवान के चरणों का प्यारा हूं, गीता का मैं अनुयायी और पैरोकार हूं, आपको बार बार कह रहा हूं। हमारे जसु के एकांत में रहने वाले आपको सवेरे श्याम महाराज जी की वाणी सुना दी, एकांत में चले गए, न लेना न देना न चुपचाप शांत, आज शरीर नहीं अच्छा था, मैं सेवक ली नहीं आया, तो और हमारा क्या काम है, एकांत में बैठे रहे। लेकिन आप तो मेरी तरह नहीं बन सकते, आपको तो समाज, चाहे बीमारी भी हो तो भी समाज में जाना पड़ेगा, मैं तो हुआ नहीं मिला आज दिन भर आपको, नहीं तो भी ये ठीक नहीं, मैं मजबूर भाई नहीं मिलता। लेकिन आप तो ऐसा किसी किसी जान वालों को नहीं कह सकते, मिलना आना जाना, पट्टियां बांध के भी जाओगे, जो मर्जी गोलियां खा के भी जाओगे, नहीं जरूरी जाना है ये करना है, आपके लिए तो ये विचार अनिवार्य है, बड़े जरूरी, आप अवॉइड नहीं कर सकते। ले लो मेरे जवानों, ओ मेरी जवान बेटियों, ले लो, आप भरे जोपन में हैं, ले लो महाराज जी के इसके इरादे को पक्का कर लो। देखो भगवान क्या कह रहे गए, क्या इस संसार क्या है, अनित्य मासुकम,
ये जो जब इरादा का मतलब पहले शब्द देखो क्या, अगर तुमने इरादा संसार का किया भी सही तो हो ही नहीं सकता, अनित्य वासु, ये चीजें अनित्य है, दुखदाई है, इरादा बदलना पड़ेगा। देखो जब ध्यान आप रिसर्च नहीं करते, मेरी बेटी जरा गहराई में जाए ना रिसर्च करे, भगवान ने कहा अनित्य, ये चीजें सारी अनित्य है, हाँ अगर हमने ले भी ली तो असुखम सुख तो पारा कोड़ी, दुख देगी, अच्छा दुख देगी, हाँ फिर क्या होगी, जिंदगी कैसे काटू, भजस्व तीन शब्दों चारों में कमाल कर दिया मेरा भजन कर नाम अध्याय के आखिर में मेरे मालिक ने कमाल कर दिया, इतना ज्ञान आधी गीता सुनने के बाद, नाम अध्याय में आधी गीता पूरी जाती है, उसमें जाकर आखिर में कहा अरे तुझे दुख की दुनिया आए, क्योंकि फानी है इसलिए दुखदाई बन जाती है, तो जिंदगी कैसे कटे, ना ब्रह्म भगवान में जन्म देता, भगवान के नहीं तो खुशी से काट सकता है तो कर सच्चे दिल से, साथ ही आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, फौरन आपको कहा दिन कैसे कटे मेरी भक्ति में, मूल शब्द है अनित्यम बिल्कुल असुखम, आगे क्या भजस्व मेरा भजन कर शाबाश। मैं कल भी कह रहा था तन का भोजन रोटी है, मन का भोजन, मन का भोजन भजन, मन का, मन को भोजन नहीं दिया हमने, तन का भोजन तो दे दिया इसको लेकिन मन को भजन दिया ही नहीं। अब जिसने पक्का इरादा कर लिया तो ठीक, नहीं तो फिर भगवान कर तूफान में किश्ती बही, दृष्टांत ये कितना कितना भयानक दृष्टांत है, इसी को टेंशन कह लो, गया जीवन, गया जीवन, गया, इसलिए आत्महत्या आपके देश में आपके अमेरिका में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मरते जा रहे हैं खा पी के कुछ ना कुछ, आत्महत्या दिन प्रति नारियों की बहुत ज्यादा, विदेश में नरों की ज्यादा है, वहां नर मरते जा रहे हैं, मेरे देश में नारी मरती जा रही है, जो कि आपसे सहन नहीं होता, उल्टी पुल्टी बातें होती हैं, तो देख लीजिए मेरे बच्चे हाय कैसी, भगवान कह रही है तो दिल अकल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे, जैसे तूफान आता है लाख कोशिश करता है मां जी नाव चलाने वाला के नाव के समय, लेकिन तूफान जो इतना जोर क्या है, ओ नाव गई, वो मारता है तो ओ नाव गई, मेरे वश की बात नहीं, मेरे वश की बात नहीं, पानी भरने लाता है, हिचकोले खाती है, डावा डोल होती है, पानी अंदर आने जोर जोर का पानी उछाले मार रहा, नाव यू यू हो रही है, पानी अंदर भरता जा रहा है, यात्री सब तह में पहुंच जाएंगे, दृश्य लाओ आंखों के सामने, हाय कितनी बार हरिद्वार में नाव डूबी है, अब तो बहुत अच्छा किया जो उन्होंने पुल बांध दिया, बड़ा अच्छा पुल बांध दिया, बहुत ही सुंदर, पहले लक्ष्मण झूला था, अब एक नई पुल और बांध दी, सुना है मैंने देखा तो नहीं, मेरी बच्चे बता रहे थे एक नई पुल बांध गई है इधर से उधर, उधर गीता भवन की तरफ एक साइड से लेकर उस साइड तक पुल बन गए जहां किश्ती चलती थी, राम रास्ता बहुत सुंदर, वो लक्ष्मण झूला, ये राम राम झूला, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बता कितनी दुर्घटना हो चुकी, हाय हाय मचाते थे जब नाव डूबती थी, बचाओ बचाओ बचाओ, भगवान दृश्य कैसे, ये कौन कहती है क्या क्या, जिनके इरादे नहीं सुलझे हुए, तो अब सत्संग ठोस लाभ कौन उठाएगा, पकड़ लो इस बात को, पकड़ लो कि मैंने भक्ति का इरादा पक्का कर, मर जाऊं बिछक लेकिन मैंने अपने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हो जाएगा, भक्ति कमाना, मेरी देवी का उद्देश्य भगवान जी के अनुसार भक्ति कमाना, भगवान खुद कहती है वो क्या क्या होगा जो पुरुषोत्तम स्त्री जो मुकाबला करके मुझे उत्तम जान देगा, हाँ वो तन मन से करता गए, हाय उसके मेरे भगवान बाखबर करके बहुत होशियार है, बाकी सब बेखबर गुग्गू, पढ़े हुए गुग्गू, एजुकेटेड फूल, जो भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य में आता पढ़ाई, पढ़े हुए बेवकूफ है, एजुकेटेड फूल, पढ़े हुए बेवकूफ, कुछ जीवन में उद्देश्य क्या बनाया है, जिससे दुख पाएंगे, जिससे जलील होंगे, जिससे बेचैनी बेकरारी होगी, शाबाश। तो आपका प्रश्न है पूरा लाभ कैसे उठाया जाए, उत्तर दे रहा हूं भगवान जी का, आप अपने इरादे को पक्का कर, बहुत लाभ उठा रहा हूं, परमात्मा करे मेरा आप पर पूरा प्रभाव पड़े, हर एक बुजुर्ग पर, जवानों पर, माताओं पर, अपनी बेटियों पर, मेरा पूरा प्रभाव पड़े और आपका भी इरादा भक्ति का पक्का हो जाए, तो क्या होगा आवागमन छुट्टी, क्योंकि भगवान का नियम क्या है, लगाई थी लो जिससे हासिल हो, हर समय भगवान का चिंतन, भगवान के गुण, भगवान का ज्ञान, हर समय चिंतन है तो अंकित हो जाएगा, शरीर छूटता है तो जिसका चिंतन होता है जीव वही समा जाता है, कितना गजब का नियम है,
और फिर जीव तो जिंदा रहेंगे तो भगवान का चिंतन ये गुण आ जाएंगे, विवेक वाला भक्ति शक्ति, जिससे बड़ी खुशी से दिन कटते हैं, बड़ी प्रसन्नता बनी रहती है, भगवान जी अंदर फुहारा खोल देती है, किसका खुशी का, प्रसन्नता का, शांति का। इधर फुहारा खुल जाता है, दुनिया के तरफ खतान हो, फुहारा खुल जाता है, किसका, आदि का, व्याधि का। आया बाबा, ओए ओ बाबा, ये तो क्या बता रहा है, दुनियादार बनती है तो इधर फुहारा खुलता है आदि व्याधि उपाधि का, परमात्मा के प्यारे बनते हैं तो फुहारा खुलता है विवेक का, वैराग्य का, भक्ति का, शक्ति का, शांति का, आनंद का, मस्ती का। दोनों में कितना अंतर है मेरी देवियों, मेरे सजनों। होश की दवा लो अपने भगवान से, ज्ञान की दवा लो अपने प्रभु जी से, मन को मजबूत करो भगवान के शुभ शुद्ध पवित्र इरादा से। कितनी मौत की बात है, हमारा कहना मानो, हम भगवान की भूली बात आपको याद दिलाने आए हैं, कहना मान ले मेरी बेटी और भूली बात आपको याद करा रही है। बिल्कुल मैं अपना पार्ट उसी तरह देख रहा हूँ जैसे मेरी एक बेटी जिसका ब्याह हो गया था, 6 महीने बड़ी अच्छी रही, अरे क्या बात बन गई, रूठ के घर में आ गई, 6 महीने इधर हो चुके हैं मायके में, इधर घर में हलचल मच गई, इधर तेरे ससुराल में, अब देवर आया आपके पास, पक्का बात बन के चरणों में प्रणाम किया उसने, आपने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, मैं समझती ही तुम्हारा देवर है ना, समझो जब तक हम समझेंगे आप हमारी भाभी हैं तब तक तो हम आएंगे, आप नहीं समझते ना समझो, क्यों आया, मैं यही आया हूं कि भाभी के पास आया, क्या बकवास करेगा, जो मर्जी कह रहे भाभी तुम आसमान है, मैं आखिरी बार आया हूं, 2 बार पहले हो चुका हूं, क्या यही निर्णय है कि आपने नहीं आना, क्या तलाक की तरीका है, तोड़ने के तरीका रह गया और कोई तरीका नहीं आपका, बस मैं यही पूछने आया हूं आपसे, भैया ने भेजा कि यही आखिरी फैसला है, भाभी मैं यही कहने आया हूं क्योंकि यही आखिरी संदेश लाया हूं भाई का, क्या यही एक तरीका संबंध विच्छेद करेक्ट कर दे, इधर आपके पिताजी मुकदमा चलाएंगे, इधर वो मुकदमे चलाएंगे, बस यही तरीके रह जाएंगे, कचहरी में आना जाना, धक्के खाना और वो वकीलों के अनुसार बात का मतंगर बनाना, यही तरीका है, नहीं मेरा मन भर गया, बिल्कुल मैं इसी तरह एक देवर की तरह आया हूं, क्या यही तरीका है जिंदगी काटने का, क्या यही तरीका है आधी व्याधि उपाधि का मरने का, मेरे भगवान ने आपके नाम मुझे कुछ कहा है कि अगर ये लेती है तो हम सुख से जीते हैं, नहीं तो क्या यही तरीका है, शरीर मारे, इंद्रिया मारे, मन मारे, काम क्रोध लोभ मारे, अर्थात जैसे वो कह रहे धक्के खाते रहे कचहरियों में, क्या कोई और भी तरीका है, हजूर कुछ और भी तरीका बता रहे हैं, क्या भगवान ने हमारे पर जुल्म किया जो हमें पैदा किया, नहीं साथ में ज्ञान भी दिया है, इस तरीके से जियोगे तो सुख से जियोगे, क्या मैं और आप ये फरमान गीता का भूल जाएंगे, पूरा उपदेश देने के बाद जो 18 अध्याय में कहा, तो जाए पना उसी जात में अपनी हस्ती, तो पूरा रूप में भगवान की शरण लेके अपने आप को निछावर कर दे भगवान पर, रहमत में उनकी पूरी कृपा उनसे ले लेगा, सकुओं बका सदा रहने वाली शांति उनसे प्राप्त कर, और क्या चाहिए, मेरा दर्जा तो मेरी जो नंबर है देवर की तरह गए, देवर की तरह आया हूं अपने भगवान की ओर से, क्या इसी तरह हमने जिंदगी काटनी है, रोते पिटते झक मारते और आत्महत्या करते हुए, क्या यही एक तरीका है, दुनिया वाले पर बनाने वाले पर कितना भारी इल्जाम आता है, क्या आपने हमें इसलिए पैदा किया, क्या यही तरीका आपका पैदा करने का, हमें इसलिए पैदा किया था, देख लो मेरी बच्चियों, देख लो मेरे सज्जनों, भगवान किसका जवाब था, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कर रो रो के मरो, पिट पिट के मरो, या कुत्ते की मौत मरो, या मिलख मिलख के रो रो के मरो, नहीं, मैंने तुम्हें शांति आराम और चैन के लिए पैदा किया है, शर्त ये कि तुम मेरे अनुसार जीवन गुजारो। हाय निर्दाता, क्या इस मौके पर मैं आप सबको ना सुना दूं, याद करवा दूं, जो है मेरी तालीम पर, जो है मेरी तालीम पर, जो है मेरी तालीम पर, ये हमारे प्रभु कह रही है, जो मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन गुजार रहे हैं, क्या हमने महाराज जी शिक्षा के अनुसार जीवन गुजारा, नहीं, फिर दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं गम भी हिसाब उनको दिन हो के रात, फिर दोनों तरफ ऐसे मेरी तरह इंकलाबी बन जाओ, क्या भगवान ने हमें रोने पीटने के लिए पैदा किया, नहीं, देवर आया आपके पास, सुन लो ये बात, कितनी सच्चाई की बात कह रहे आया है, क्या इसी तरह रहना है, नहीं, रोपड़ी ने भाभी
नहीं, मेरे बहुत बुरा भरा तुझे कहा, मुझे माफ कर दे देवर जी, मुझे माफ कर देना, मैं क्रोध में हूँ। देख लीजिए देवर के शब्द कितने क्या, इसीलिए रो, क्या यही तरीका रोने पिटने में जिंदगी कर, नहीं ऐसा मैं मन से कहता हूँ, भगवान ने मैं रोने पिटने के लिए पैदा किया नहीं, हमारी गीता यही से शुरू होती है, सिखाए न दाना को रंजू आलम, मरे का न क्रोध और न जीते का गम, सोचो फिर सोचो फिर सोचो नेक जीवो, ओ मेरी हिंदुस्तान की धार्मिक बेटियों, फिर सोचो फिर सोचो। हमने गलत निर्णय किया, गलत विचार दिए, गलत इरादे बनाए और गलत दृष्टिकोण बनाई बैठे हैं। रिकंसिडर रिकंसिडर रिकंसिडर, एक बार फिर विचार कीजिए। ये रिकंसिडर अंग्रेजी में और अपनी भाषा में पूरा विचार करना, कितनी इसमें शक्ति है। कब दो देश में दुश्मनी जाती है, हाँ एक देश डिक्लेयर करता है क्या हम युद्ध करेंगे, दूसरे देश वाला भेजता है कोई, रिकंसिडर योर डिसीजन, अंग्रेजी बोलते हैं अपने इरादे पर पुनः विचार कीजिए, अपने इरादे पर पुनः विचार कीजिए। हैं लड़ाई होगी, अगर आपने निर्णय किया है तो मैं भी भगवान की कसम खा के कहूंगा गली गली में आपके खून चल पड़ेगा। एक बार पुनः विचार कर ली और जनता को ना मरवाओ, और मुझे बताइए कि विचार पुनः करके क्या यही है कि युद्ध होगा। कई देश ऐसे हैं जो अपने ऑर्डर वापस ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है जब ये कहा जाए। मैं भी तो इसी तरह परमात्मा का प्यारा बन के कह रहा हूं, रिकंसिडर योर डिसीजन, क्या इसने जिंदगी काटनी है रो के पिट के गंदगी में, औरत पर जो है फिदा हो जाना, औरत आदमी पर फिदा हो जाए और मार अंगों को तबाह कर दो और बीमारियों की शिकार हो जाए, आए गए डॉक्टरों का सोना बन जाए और हमारा सोना मिट्टी हो जाए, क्या इसलिए पैदा हुए थे कि तुम नर पे मरो, नर नारी पे मरे और धन के लिए बिस्ती कराते फिरे और कीर्ति के लिए घर घर देख लो, घर घर आएंगे, घर घर जो किसी समय के मिनिस्टर थे गांव में घर घर में जाएंगे, व्यंतिया मेरी ओर से नमस्कार कर देना, भूलना नहीं गेट से मुड़ाई बैठे बाबा, घर घर में जाएंगे, आप आशीर्वाद ले गए मुझे, दोनों लेके चले गए। अब क्या होगा घर घर के, यही एक जिंदगी है कि घर घर हम आपके भिक्षा मांगे, देवर रब दे नाती जैसे वो मांगती है, जैसे आपका पूर्वमाशी है ना और ग्रहण है, देखना मंगते कैसे मांगेंगे, माई ग्रहण आ गया जी, कोई दान कर लो पुण्य कर लो, भाई हम आपके घर में आ गए हैं, कुछ वोट दे दो कुछ ये दे लो, बिल्कुल भिखारियों वाला हाल है, बिल्कुल भिखारी, कोई फर्क नहीं है भिखारी में और इनमें, जो किसी समय का मिनिस्टर होते हैं तो आज दर दर आपको मांगते हुए नजर आएंगे, दर दर। क्या जीवन इसीलिए है, हालांकि किसी नेक आदमी को देख के हमें जाना चाहिए था, आप सेवा के योग्य हैं, हम आपको मिनते करती हैं आप हमारे मिनिस्टर बनिए, और उल्टा मिनिस्टर धक्के करते हैं कि हम आपके योग्य, था हमें कहना चाहिए कि आप हमारे योग्य, उल्टा मैं जाता हूं कि मैं तेरे योग, हाथ पकड़ मेरा फिर पिटे मुंह, इसके मतलब मेरे में कमियां ही कमियां, जो मैं जो आपके पास आया, रोटी जा रही है भूखे के पास के खाल है, अरे भूखे को जाना चाहिए, कुआं जा रहा है प्यासे के पास के पानी पी रहा, पानी के कुएं को कफ प्यासे को जाना चाहिए, कितनी बेकदरी, और मैं घर घर जाऊं उपचार महाराज का प्रचार करने, नहीं आपको कितना फायदा है एक जगह आकर के सुनना, ना कि मुझे घसीटो जगह जगह प्रचार करो जी, गलत, इसलिए वाणी का अनादर, भगवान का अनादर और अपना भी अनादर, हमेशा कुएं के पास प्यासा जाता है, कुआं नहीं कहीं जाता है, इसलिए भगवान ने कहा है ये राज उससे मत कहे बेटी, बड़ा जीव चुका यही जिंदगी है, कंचन में कामनी में कीर्ति में, अब देखो अब रो पड़ोगे, मेरे जैसा आंसू बहा के रुमाल को आज्ञा देता है पूछ ले, जब मैं देखता हूं मिनिस्टर आए हैं, ये मिनिस्टर थे और आज बेगर, कहां मिनिस्टर कहां बेगर, कहां मंत्री और कहां भिखारी, देव रब दे ना ते वोट, नहीं तो ले लो मेरे से नोट, नोट दे ना ले लो मेरे से एक बोतल भी, पी के सत्ते जो है वोट दे के सो जाओ हमेशा के लिए, ये तरीका रह गया, दे दो मुझे वोट ते ले लो मेरे से नोट, चुप के करना धीरे ऊंचा ना कहना, आजकल ये जमाना आ गया, दे दो मुझे वोट और ले लो मेरे से, अब शुक्र है 500 का एक नोट बन गया, ये भी भगवान की मेहरबानी है, कई गुथियां ये इतनी मोटी मोटी 100-100 के ले लेंगे बैंकों से, अब ये तरीका आ गया, क्या जीवन इसीलिए है, नहीं
जमीर हमारी अच्छी है ना, हम रोशन जमीन है, ब्राइट हमारी कॉन्शियस है, आवाज अभी नहीं 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 जीवन इसके लिए नहीं। तो जीवन साना वो होता है जो ऐसा कर्म करे जिससे अधिकतम लाभ हो। आखिर में कह रहा हूं मेरी देवी और मेरे सजनो, साना उसको मेरा देश मानता है, मेरी राशि कहती है कि साना कौन जो इस तरीके से कर्म करे कि अधिकतम लाभ हो, अधिकतम खुशी मिले। ध्यान देना कक्का, इकोनॉमिक्स यही कह रही है, पॉलिटिक्स यही कह रही है, डॉक्टरी यही कह रही है, हरी बड़ी चारों ओर मैंने इनको पढ़ा, उद्देश्य क्या है पॉलिटिक्स का, इसका सब क्या, मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर, सारे जितने भी कुछ है यही करना चाहते हैं, अधिकतम लाभ, अधिकतम लोगों को, अधिकतम जनता को अधिकतम लाभ, अधिकतम जनता को अधिकतम, तो आपका अपने शब्द है, अधिकतम जनता का अधिकतम लाभ अधिकतम समय के लिए। ये दुनिया, ये सारे शास्त्र क्यों बने, ये पॉलिटिक्स क्यों है, डॉक्टरी क्यों है, जितने भी इकोनॉमिक्स क्यों है, ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों है, एक ये उद्देश्य है सबका, अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ अधिकतम समय के लिए, ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर द ग्रेटेस्ट टाइम। कैसे हो पॉलिटिक्स अपनी तरीके से बता रहा है, इकोनॉमिक्स अपनी तरीके से बता रही है, डॉक्टरी अपनी तरीके से बता रही है, केमिस्ट्री अपनी तरीके से, फिजिक्स अपनी तरीके से, ये जितने ज्यादा हुए साइंटिस्ट अपने तरीके से, और एक भगवान का प्यारा अपने तरीके से, गीता के कृष्ण अपने तरीके से कहकर सबको मात कर गए, सबको शर्मिंदा कर दिया। अधिकतम जनता को अधिकतम लाभ कैसे हो भगवान के फरमान से, तब तो हम चार दिन आराम से जीवन, ये सब फेल हो चुके, इकोनॉमिक्स फेल हो गई, पॉलिटिशियन फेल हो गया, और क्या साइंटिस्ट फेल हो गया, इस नलायक की जितनी चीजें थी सब फना में लग गई, तबाही में लग गई, जो चीजें रचनात्मक होनी थी वो क्या हो गई, आप जरा बोलो, ध्वंसात्मक, ध्वंसात्मक होना था, क्रिएटिव बन गया डिस्ट्रक्टिव, आज साइंस जो है तबाह करने पे लग गई, साइंस की चीजें, साइंस तो अपने आप में बहुत अच्छी है पर प्रयोग करना उनके हाथों में है जो नलायक है मूर्ख, चीजें तो बहुत अच्छी होती है बट हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, प्रयोग है मूर्खों के हाथों में जो तबाही मचाई जा रही है, शाबाश। तो मेरे बच्चे ये सारी चीजें फेल हैं, लेकिन एक धार्मिकता फेल नहीं, सिद्धांत अब भी वही सिद्धांत है, तो कर सच्चे दिल से प्रश्न, अगर इस दुख में नहीं मरना चाहता, गलना नहीं चाहता, बार बार गर्भ में नहीं गिरना चाहते, तो एक ही जवाब मेरे कृष्ण दे रहे हैं, तो कर सच्चे दिल, वही हम कर रहे हैं। आप फरमाते हैं सत्संग में आकर ठोस लाभ कैसे उठाए, एक ही जवाब दे रहा हूं घूम फिर करके, तो कर सच्चे दिल से भगवान की भक्ति, इसका पक्का इरादा, अगर आपने कर लिया, अगर आपने कर लिया, अगर मैंने कर लिया, तो फिर मन में विचार भगवान भगवत संबंधी शुरू हो जाएंगे या शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, जैसा कर्म वैसा फल, ये आपस में यू कनेक्टेड है। जैसे एक हमारे हाथ में कड़ी है, लड़ी है, तो लड़ी एक एक कड़ी से बनी है, जंजीर तो एक एक उसमें एक कड़ी मिलाई गई, एक में कड़ी, लिंक इन टू लिंक इज इक्वल टू क्या बोलू, चेन, लिंक में लिंक मिलती गई चेन बन गई, कड़ी में कड़ी मिलती गई तो लड़ी बन गई, तो ये सारी एक है बुद्धि मन कर्म फल, ये कड़ियां हैं आपस में, जैसे इरादा वैसे विचार वैसे तन से कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। हाय हाय वेरी गुड, हम भूल गए, हमें किसी ने बताया ही नहीं कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये आपस में मिली पड़ी है, इसलिए इसको हम ठीक कर लें कि मैंने भक्ति कमानी है, विचार शुद्ध कर्म शुद्ध और फल मुक्ति शांति चैन दुखों से छुटकारा। सत्संग में ठोस लाभ कैसे हो, आज मैं यही संपूर्ण कर रहा हूं, इरादे को पक्का कर, कि मैंने जितनी जीव आयु रह गई है, जितनी है हमारी आयु, मैंने भक्ति कमानी, मैंने अपने प्रभु की भक्ति कमानी है, और भक्ति गीता के माध्यम से, गीता के द्वारा, जैसे महाराज जी ने भक्ति कमाने का तरीका सिखाया है, और मैं उस पर प्रकाश डाल रहा हूं, समझा रहा हूं, विस्तार पूर्वक आपकी बुद्धि बताने की चेष्टा कर रहा हूं, उसके अनुसार प्रभु के उपदेश के अनुरूप
हमने भक्ति कमा ली है, बस तब जीव का कल्याण। चार दिन आराम से जीएंगे, रोग पिटना नहीं। नारी के चोला कितनी दुखी हो चुकी हो, क्यों? भगवान को छोड़कर, भगवान के उपदेश को छोड़कर बहुत दुख पा रहे, बहुत दुख। यही भगवान ने कहा था, यही मेरे मन में अरमान आता है कि जब हम पैदा हो रहे थे ना, माँ में पैदा की डिलीवरी हो रही थी हमारी, हाँ, उस वक्त भगवान कानों बुद्ध जा रहा है दुनिया में, अब दूर हो मेरी भक्ति को माना बस। हाँ, इस दुनिया का नक्शा कितना अच्छा होता अगर भगवान शुरू में फूंक देते कि मेरी दुनिया में भक्ति कमाने के लिए जा, जो आज्ञा प्रभु, उनका कहना व्यर्थ ना जाता। और इस बात को मैं बोल 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 के बुरा हो चुका हूं और पूरा असर नहीं हो रहा, वो भगवान के थोड़े से कहने पर भी जाया ना जाता, जो कि उनके बोल अमोघ होती हैं, जैसे भगवान राम के तीर अमोघ, अर्थात जहां निशाना बनाया वही गए, वो इधर उधर नहीं जाएगा, और अपना निशाना बना के फिर तरकस में वापस, इसलिए बोलते हैं अमोघ तीर। अब आजकल शब्द बन गया रामबाण, दवाइयों पे लिखा होता है ये दवाई रामबाण का काम करेगी। बात महादेव पुत्रा कितनी महमक आ गए, ये दवाई रामबाण का काम करेगी, वाह वाह, मतलब व्यर्थ नहीं जाएगी, शाबाश। तो अगर भगवान जी अपने मुख से कहती तो क्या अमोघ हो जाता, हमारे शब्द क्या संस्कृत का मोघ, मैंने व्यर्थ आ लगाई, क्या हो गया अमोघ। भगवान के बोल अमोघ है, भगवान के बोल अमोघ बोल, जिन्होंने अपना असर दिखाना है व्यर्थ नहीं जाना। वाह वाह वाह, ये भगवान शुरू में कहती, देखो एक ही बात को मुझे कितने तरीके से समझाना पड़ता है फिर भी पूरा असर नहीं हो रहा, और भगवान का पूरा असर हो जाता है। अभी आप अपने मन को समझा लो, समझा लो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि मैंने भगवान जी के अनुसार भक्ति कमा के कल्याण कर जाना, बस चाहे जितनी जिंदगी है आराम से कट जाएगी, शरीर गिर जाए हमारी बला से, आवागमन नहीं होगा अंदर का, सूक्ष्म शरीर पर गर्भ में जाएगा ही नहीं, जन्म मरण के चक्कर में। कितनी बात क्लियर कर दी है मेरे प्रभु ने अपने ज्ञान के अंदर, जिसे जिस चोटी के ज्ञान को गीता जी ने रिजर्व किया हुआ है मेरी और आपके लिए। गीता की बड़ी मेहरबानी, भगवान का ज्ञान रिजर्व कर रखा, भगवान का ज्ञान रिजर्व जी सरकार, ताकि आप जैसे आए और महाराज जी के ज्ञान को लेके अपना जन्म सफल कर जाए। परमात्मा करे जो प्रसंग आपने चलाया है ये आपके मनों में हमेशा के लिए बैठ जाए। आज का जो प्रसंग चलाए कि मैंने पक्का इरादा कर लिया या कर लेना है या कर चुका हूं कि मैंने भक्ति ही कमा ली बस, और मैंने कुछ मैंने अपना जीवन भक्ति में ही लगा देगा, इससे मन भी शुभ और तन के कर्म भी शुभ और जन्म भी शुभ, मेरा और आपका जन्म सफल हो जाता है सिर्फ एक इरादे को पक्का कर लेने से। जरा वाजा इरादा इतना मजबूत कर मर मिटूंगी लेकिन हटेंगे नहीं। आहा, हमारे देश में पक्के इरादे को बोलते हैं तख्त या तख्ता, या तो मैं महाराज जी के सिंहासन पर बैठूंगा, सिंहासन उनके साथ राजपाट में से, या तो सिंहासन में बैठूंगा या चार भाई फिर मुझे फट्टे पे शमशान ले जाएंगे। हमारे ये कहावत है जिसने पक्का इरादा किया, क्या 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 तख्त या तख्ता, तख्त या तख्ता, या तो तख्त सिंहासन और या फिर फट्टा जिसपे उठा के ले जाएंगे अर्थी। तो जिसका ये इरादा है उसका मन कभी कमजोर ना हो पाएगा, वो दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्ती करता 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 मेरे प्रभु की जात में समा जाएगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।